ज्योतिषाचार्य जी, बुद्ध पूर्णिमा कब है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या शुभ योग बन रहा है और जातक को इस दिन क्या करना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस बार वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को हो रहा है, गुरुवार। इस बार पूर्णिमा तिथि गुरुवार पड़ने से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही साथ उस दिन परिघ योग भी है और याई जय योग भी बन रहा है। तो इस बार जो गुरुवार को वैशाख पूर्णिमा हो रहा है, यह अत्यंत शुभकारी है। इस दिन अपने गुरु की भी पूजा करने का दिन होता है। ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा और फूलदोल यात्रा भी होता है, साथ ही साथ जो है यह भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म जयंती भी उस दिन मनाते हैं। तो कूर्म जयंती के दिन जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ दान का विशेष महत्व है, पूजन का भी महत्व है। तो यह योग जो है पूर्णिमा के दिन 8:55 के बाद से प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे संयोग में दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन आप जो है घड़ा में जल, छाता, चप्पल और अन्न का दान अवश्य करें, जो आपको बन सके। उस दिन भगवान के मंदिर में तिल के तेल का दीपक भी जलाने का महत्व है और तिल के तेल से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो पर्यावरण पर भी आपका अच्छा असर पड़ता है। इसलिए संध्या काल में भगवान के मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे आप यदि तिल का तेल जलाते हैं पूर्णिमा के दिन, तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आप यदि ग्रह से परेशान हैं, आपको ग्रह सता रहा है, आपके ऊपर ग्रह की कुदृष्टि है, तो ऐसा सोच बना करके आप पूर्णिमा के दिन शाम के समय में तिल के तेल का दीपक जलाएं और अपने ग्रहों की कुदृष्टि से छुटकारा पाएं।